सो गाइज अभी हम आए थे स्वामिंग के मंदिर में, सो मतलब हमें जाना है भुलेश्वर मंदिर में। सो वो है उरुई कंचन वहाँ पे, सो पुणे में ही है वो। तो हमने आज सोचा संडे है तो आज कुछ घूमने जाते हैं, तो मैंने मंदिर का प्लान किया। सो वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो मतलब मुझे महाशिवरात्रि में ही जाना था, लेकिन थोड़ा काम था इसलिए मुझे नहीं पॉसिबल हुआ। तो सोचा आज जाते हैं, तो जाते जाते मुझे वो स्वामिंग का टेम्पल दिखा। वहाँ पे मैंने ना मतलब जो स्वामिंग की मूर्ति ना उसका पेंटिंग मैंने किया था गाइस, तो आप देख सकते हो मतलब मैंने इतना अच्छा बढ़िया पेंटिंग किया है ना। सो वो काका है मतलब जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण ने भी मुझे बुलाया, अरे यार तू इधर, तो सोचा कि वहाँ जाते हैं दर्शन लेते हैं थोड़ा। आज दिन मेरे यूं ही चलते रहे, आज सुबह को क्यों मुझे तू देखी। अभी चलिए तो निकलते हैं, हमें भुलेश्वर मंदिर भी जाना है। मैं आपको भुलेश्वर मंदिर का पूरा दिखाऊंगा, मंदिर कैसे है, मतलब बहुत पुरातन साल का है वो, पुराना मंदिर है, उसकी कलाकारी बहुत बहुत बढ़िया की है, तो मुझे भी देखना है, मैं भी पहली बार जाने वाला हूँ। तो चलिए निकलते हैं गाइस। हेलो गाइस, तो अभी हम आए थे मिसल खाने के लिए। तो सोचा ये वक्त मैं ना बहुत अच्छी मिसल मिलती है, जय मल्लर मिसल। तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेशन दिया था, तू वहाँ पे जा रहा है ना तो उस उधर की मिसल ट्राई कर। तो अभी ट्राई कर रहे हैं कैसे, देखते हैं। तो हम ऑर्डर दिए मिसल की, कौन सी मिसल है, स्पेशल मिसल ना, दो स्पेशल मिसल मंगाई है। तो देखते हैं अभी ट्राई करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता थोड़ा मतलब हम भूल गए थे, थोड़ा आगे चले गए थे, तो मिसल का जो शॉप है वो पीछे रह गया, तो फिर से हमें वापस आना पड़ा। तो हमें लगता है कि हम एक किलोमीटर तो आगे गए थे। तो अभी देखते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसकी टेस्ट कैसे अच्छा रहेगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे आए तो ज़रूर ट्राई करना। गाइस फाइनली हमारी मिसल आ गई है, सो देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, देखते हैं अभी, तीखी भी हो सकती है। सो गाइस करते हैं स्टार्ट, मेरे साथ है मंथन। हाय गाइस, मतलब जो घाट में है ना गाड़ी चलाने का मजा है ना, जाते समय नहीं होता, आते समय होता है, मतलब गाड़ी चालू ही नहीं करनी, सीधा छोड़नी नीचे, अपने आप गाड़ी आ जाती है। तो मैं आपको मंदिर अभी दिखाता हूँ, तो मंदिर बहुत बढ़िया है और घाट भी इतना बढ़िया है ना, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं आपको सीन दिखाता हूँ अभी ऊपर का, घाट के नीचे कैसे दिखता है। सड़कों पे मैं बस एक बार ही देखा मुझे, फिर क्यों नहीं आई तू सामने, आओ चले मिलके कहीं तेरे ही सुंदर। सो गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये देखो एक कहां भुलेश्वर मंदिर के टेंपल के एंट्रेंस है। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं भुलेश्वर मंदिर में, सो अभी देखते हैं अंदर में, भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, सो जाते हैं अंदर। सो फाइनली हम आ गए हैं भुलेश्वर टेम्पल में, जो मेरे पीछे है, सो आप देख सकते हो एकदम पूरा निर्माण का मंदिर है, सो मतलब इतना पुरातन काल का है। सो गाइस देखिए इतना पुराना मंदिर है, उसकी कलाकारी भी देखिए आप, कितनी बढ़िया कलाकारी है, नंदी है, इतना बड़ा नंदी है ना गाइस, आप देख सकते हो मतलब कम से कम ये 10 फीट का तो रखेगा ऐसे विड्थ उसकी, सो इतना बढ़िया है, उसकी कलाकारी भी देख सकते हैं आप।
मंदिर की। सो गाइस अभी बाहर भी जाना है हमें, देखते बाहर। और मंदिर भी इतना बढ़िया है, दर्शन वगैरह अच्छे से हो गया। आज इतनी भीड़ नहीं थी, महाशिवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है। अरे सो गाइस देखिए मंथन मंथन देख रहे हैं मंदिर, मेरे पीछे वो नंदी है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। मंदिर इतना अच्छा है ना, सो मुझे मन का हुआ पेंटिंग करने का। सो मैं आज मंदिर की पेंटिंग करने वाला हूँ। सो गाइस दर्शन हो गया हमारा, तो मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर का मंदिर के बारे में। सो ये मंदिर जब मतलब शिव जी जब कैलाश पर्वत जा रहे थे ना, तब यहाँ पे ना देवी पार्वती ने नृत्य किया था। और ये मंदिर है, सो मतलब इस मंदिर की एक खासियत है, मतलब आप जब भी देखो शिव जी के मंदिर ज़्यादा ऊपर रहते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाके में ऊपर माउंटेन के ऊपर ही रहते हैं। और सारे मंदिर जो पत्थर के बनाए हुए होते हैं, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि एक ही रात में बनाया गया ये मंदिर है। तो जो पांडव होते हैं ना, उन्होंने जब बनाया था ये मंदिर। इतना बढ़िया मंदिर है ना, आप भी आ सकते हो गाइस। सो आप यहाँ पर चलना है घर, तो चलिए अभी निकलते हैं। गाइस तो फाइनली हम आ गए अभी रामदरा के टेंपल में। सो रास्ते में ही लगा हमें, तो मतलब जो भुवनेश्वर का मंदिर है उसके डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे आते हैं। सो गाइस देखिए ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइस हम आ गए मंदिर में, पीछे ना लोग बैठे थे, अच्छा थोड़ा मतलब धूप नहीं था वहाँ पे, अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, तो बैठे हैं। तो अभी हम जाते हैं मंदिर में, तो आपको मंदिर में दिखाता हूँ अंदर से, चलिए। अभी दर्शन हो गया हमारा। सो हम यहाँ आए थे राम जी के मंदिर में, जो रामदारा मतलब बहुत फेमस है मंदिर महाराष्ट्र में, तो वो है लोनी कालभोर एरिया में। सो अभी दर्शन हो गया है। सो अभी आप बजे दोपहर के 2 बजे। सो हम आज बहुत घूमे, मतलब भुवनेश्वर टेंपल भी गए थे और रामदारा मंदिर भी आ गए। सो अभी हमें थोड़ा पुणे में काम है, वो काम करेंगे और जाएंगे घर। और धूप भी बहुत है आज, मतलब अभी धूप बढ़ी ना थोड़ी, तो इसलिए है ना इतनी थकान होती है ना। सो हम आए थे बाइक पे आज, बहुत घूमा, मतलब बढ़िया मज़ा आया। भुवनेश्वर मंदिर में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई, यहाँ पे थोड़ी धूप है इसलिए हम इधर थोड़ा छाया के नीचे बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, तो सब यहाँ पर सीनरी झाड़ी वगैरह सब है ग्रीनरी, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर ठंडा लग रहा है। सो गाइस आज मज़ा आ गया। सो भूख भी लगी अभी, अभी निकलते हैं घर।
गाइस देखिए युगा कैसे कलरिंग कर रहा है, वो भी बड़ा आर्टिस्ट बनने वाला है मेरी तरह। सो गाइस अभी हम आए मंदिर से। सो आज सुबह हम गए थे मंदिर भुलेश्वर और कौन सा था रामधरा। सो गौरीश नहीं आया था, गौरीश को पता नहीं उसकी एग्जाम थी तो वो नहीं आया। सो मैं और मेरे एक फ्रेंड गए थे। सो अभी आए तो हमने वो उधर लाल वाली जो शिव मिलती है ना वो लाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। सो हम अभी वो वही खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी है। उधर का प्रसाद भी माना जाता है। हाँ तो उधर से लाया था भुलेश्वर मंदिर से, बहुत बढ़िया मंदिर है, आप भी जाओ गाइस। मतलब पुराने साल का वो मंदिर, पुराने जमाने का वो मंदिर है। सो मतलब मैं ऐसे गया था, मतलब छुट्टी थी तो मैं सोचा कि उधर जाना है महाशिवरात्रि में, मैं मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं गया, तो आज ही गया था। तो गाइस आप भी ना, अभी मैं घर पे आया हूँ, थोड़ा थका हूँ आज। तो गौरीश को मैंने बताया कि अरे बहुत मजा आई, गौरीश ने मिस किया एक्चुअली, मुझे उसको लेकर जाना था लेकिन उसकी एग्जाम थी इसलिए मैं नहीं गया। सो गाइस हमारा है ना चैनल नया है, सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और मतलब हमें भी कुछ कुछ नया लाना है। सो मैं थोड़ा ब्रेन एक्टिविटी भी लाने वाला हूँ। सो मेरा है ना थोड़ा ब्रेन एक्टिविटी चल रहा है थोड़ा सा, तो वो भी मैं लाऊँगा। और कुछ लोग मुझे कल बोल रहे थे कि यार क्या चैनल खोला है, कुछ भी कर रहा है, मतलब क्या ब्लॉगिंग क्या मिलता है, कौन है कौन, वैसे बोलते हैं। मतलब आप उधर ध्यान भी मत दो, सो कुछ करना है ना तो अपने आप पर फोकस करो, सो सब हो जाएगा। सो गाइस डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना, मतलब आपका चैनल भी नहीं भी चला ना तो फिर भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, हो जाएगा कभी ना कभी तो चैनल आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो आप मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना आप आगे जाओगे। सो मैं रात रात को पेंटिंग करता हूँ, मुझे पहले ये चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यार तू भी चालू कर, तू अच्छा करता है ब्लॉगिंग आर्ट वगैरह, तो मैंने सोचा, तो मैंने अभी चालू किया है कि मैं आर्ट वगैरह कुछ बनाऊँगा, तो मैं अभी रोज करता हूँ। सो मेरे चैलेंजेस है कि मैं अभी रोज नए नए स्केचेस वगैरह करूँगा। भाई आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय।